A uniform sphere of mass m, radius r, is placed on a smooth horizontal ground. Angular acceleration of sphere if force F is applied on it at a distance 7r/5 from the ground. Sphere आपके पास, mass m, radius r है, ground से इतनी distance तो r हो गई, तो ground से 7r/5, मतलब यहाँ से 7r/5 distance पे उस पर force लगा जाता है. तो 7r/5 तो r से बड़ा हुआ ना, 7/5 r से ज़्यादा हो जाएगा, तो सेंटर से कुछ ऊपर, मतलब इस लाइन के अबाउट कुछ फोर्स लग रहा है F. तो बोल रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा. सिंपल क्वेश्चन, टॉर्क, ये फोर्स इसको घुमा सकता है? जो फोर्स इसके सेंटर पे लगेगा वो इसको नहीं घुमा पाएगा, जो फोर्स सेंटर से ऊपर या सेंटर से नीचे लगेगा वो घुमाएगा. ठीक है, तो टॉर्क होता है आई अल्फा. टॉर्क क्या होता है? एफ इंटू आर. अब ये फोर्स की जो लाइन है ना वो ऐसे है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और आर ये है, यहाँ पे जो लीवर आर्म होगी वो ये होगी. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर और ये हो जाएगा आपका फोर्स वेक्टर. ये छोटा सा डिस्टेंस कितना है भैया? ये पूरा का पूरा, एक मिनट, ये पूरा का पूरा आपका 7r/5 है. यहाँ से यहाँ तक आपका आर है, तो 7r/5 में से आर माइनस कर दो तो ये वाली डिस्टेंस आएगी ना. 7r/5 में से आर माइनस कर दो तो ये वाली डिस्टेंस आएगी. तो फोर्स, ये वाला फोर्स, और ये होगा आपका आर वेक्टर. आर क्रॉस एफ होता है टॉर्क, तो टॉर्क आ जाएगा इसे आपका. तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास के अब 2/5 mr², अल्फा चाहिए अपन को. सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा 2r/5, उड़ा दो इसको, 2r/5, यहाँ से भी दोनों तरफ से गया. यहाँ बचेगा राइट साइड पे mr, अल्फा, अल्फा चाहिए, mr को नीचे ले लो, अल्फा क्या हो गया, f/mr. ख़त्म क्वेश्चन. कितना आसान था बताओ, मज़ा आया ना? थैंक यू.